ले भाई ये हमारा अक्षय भाई आ चुके हैं हीरो। हेलो राम राम भाई, सारा नौ भाई, सारे क्या हाल चाल? बढ़िया ठीक ठाक। आज हम चले बरनो। आज भाई आया था इंडिया दे समान समून लेकर आना यार, वहां जाएगा कुछ गेल बाद आप लोगों को बरनो दिखावांगे। बरनो यहाँ की एक सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है, देखने लायक है, बहुत मजेदार सिटी है। आप लोगों ने आज दिखावांगे घर बैठे बैठे बरनो। चलो देखा चला आएगी हमारी बस आ गई यहाँ से। फिलहाल तो हम बस स्टैंड पर आए, एक भाई और हमारा वो भी बरनो का आया है यहाँ से, वही बाने वाला बस हमारा दौरा यहाँ से। फिर अपना चलते हैं भाई के साथ। ले भाई ये ताई बेचारी ही बैठी रहा, पता नहीं क्या करे यहाँ बैठ गए। ये हमारा बस स्टैंड, आप लोगों ने देख लिया बस स्टैंड तो। ओ वहाँ बस रुक गया क्या? ओ वहाँ बस आएगी। ए भाई जी हमारे रेडी सेडी हो चुके हैं। अखरोट कह रहे भाई जी खड़े हो गए यहाँ जी। चलो ये बस जाएगी शायद 706 नंबर आ शायद ये बस जाएगी। वो देख के आया ना, चली बला गाड़ी कौन चलाते हैं पूरे घंटे यार। तो दोस्तों हमारी बस आ चुकी है, अब इस बस में हम जाएंगे कोलीन। कोलीन से फिर आगे चलेंगे बरनो, बरनो ट्रेन में बैठ के आराम से। तो दोस्तों अभी ये तो हमें देगा टिकट, और अब यहाँ से कार्ड लगा के हम टिकट ले लेंगे। ये बस है इधर की, और अभी हमने टिकट दे लिया है, दो टिकट दे ली है, अब अंदर लेके बैठेंगे आराम से। दोस्तों 40-40 रुपए की हमने टिकट ले ली यहाँ से इस बस में बैठने वास्ता। अब यहाँ चलेंगे कोलीन, कोलीन आपने दिखाएंगे फिर आगे जाएगा। बस देखो आप, बस बस भी ट्रेन तक हम लग दिया है। हाँ ये है हमारी चर्च, आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में दिखाई थी, ये वह चर्च। तो ये हमारा अक्षय भाई आ चुके हैं हीरो वाले। देख गिर रहा जी तो। और भाई इंडिया था यार बीबी खड़ा भी ना जाए पिछे का बैठ मेरा। तो देखो दोस्तों यहाँ का खेत, क्या व्यू है खेत का। यहाँ सिर्फ दो फसल कराने, एक तो गेहूँ वा, अरे एक इनकी सरसों वा और आलू, बस दो तीन फसल इनकी। ये व्यू देखो यहाँ का खेत का, इधर भी खेत। ये हमारा अक्षय भाई। मौसम देखो कितना मस्त हो रहा है आज, डेली यहाँ बदल बदल ही रहा, आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ से। देखो गाइस यहाँ के ये है यहाँ के आसपास के गांव, देखो कितनी तरक्की हुआ यहाँ के गांव, कितने अच्छे अच्छे घर हैं यहाँ से। माहौल देखो यहाँ का बहुत शांत माहौल है यहाँ का, बिल्कुल बहुत शांत, ना है कोई लड़ाई दंगे दंगे के साथ कुछ नहीं है यहाँ, बहुत शांत माहौल है यहाँ का बहुत ज़्यादा। देखो व्यू देखो आप, अच्छे अच्छे घर दोस्तों यहाँ का व्यू, व्यू देखो अब यहाँ खेतों में इतनी हरियाली, बादल वगैरह देखो कितना मस्त लग रहा है ना, बहुत अच्छा। व्यू देखो इस साइड भी ऐसे, इस साइड बहुत अच्छा व्यू लग रहा, देखो दो छुपने वाली हो रहा सूरज, बहुत अच्छा व्यू लग रहा है। दोस्तों ये यहाँ का गला गाँव है, और ये यहाँ का व्यू देखो, और ये देखो ये क्या है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके ऊपर मौसम देखे सारे बदल, ये देखो दोस्तों ये कितना अच्छा है, देखो ये चर्च है, कितनी चर्च कितनी सुंदर है, इधर बहुत पुरानी चर्च है ये, बहुत ज़्यादा इधर कितनी भी चर्च है ना सारी बहुत पुरानी चर्च है। ये देखो कितना अच्छा व्यू है इधर का, ये देखो कितनी अच्छी लग रही है, व्यू चेक करो व्यू देखो इधर का, देखो कितना सुंदर है, कितनी शांति, बहुत इधर बहुत शांति, बहुत है बहुत शांति है। गाइस हम पहुंच गए हैं अब कोली में, व्यू देखो यहाँ का कितना मस्त व्यू है, ये देखो नदी, देखो व्यू कितना मस्त, सूरज भी बहुत अच्छा दिख रहा है देखो। ये ट्रेन की पटरी है, सेटल स्टेशन है, व्यू कितना मस्त कितना अच्छा, मेरा बहुत जी लगा यहाँ से जी, ऐसा मौसम हो आज मेरा बहुत जी लग रहा है यहाँ से, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ। ये देखो
इधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, माहौल भी बहुत अच्छा है यहाँ का, बिल्कुल शांत माहौल, बहुत मजा हुआ इधर रहने में, बहुत ज़्यादा। इवन आप रेलवे स्टेशन दिखाएंगे, आप ट्रेन दिखाएंगे, आगम जहाँ दिखाएंगे, जिस सिटी में हम जाएंगे वो सिटी तो बहुत बढ़िया। आगा ब्लॉग लो बने रहो नहीं, आगा आपने दिखाएंगे, देखो यहाँ की बस। और अब हम यहाँ पहुँचने वाले हैं यहाँ बस स्टैंड का, दो दिन के बस स्टैंड पर आने वाले हैं, अब बस ही उतरेंगे बस में। देखो भाई यहाँ की जिस तरह बस स्टैंड है यहाँ, और ये रेलवे स्टेशन है, अपने यहाँ के बस स्टैंड में लिखेंगे अंदर, रेलवे स्टेशन में बढ़ जाएंगे, अब यहाँ टिकट टुकट ले आवेंगे, ट्रेन में बैठेंगे, अब लेंगे मज़ा ट्रेन का। देखो तो यहाँ आ गए हम बस स्टैंड पर, और इधर से हम लेंगे टिकट वगैरह, और अभी हमारी ट्रेन आ गई है बरनो 3:47 का टाइम हो गया, 3:45, 2 मिनट बाकी है, बस हम यहाँ टिकट लेकर अपना जावा यहाँ पे। ये देखो इधर का व्यू, ये इधर का बस रेलवे स्टेशन है, टैची छोड़ के नहीं जा रहे, भाग गए गर्मी से। भाई ये आ गए हंसी स्टेशन के अंदर, यहाँ पहले टिकट लेनी पड़ा, उसके बाद फिर स्टेशन के अंदर एंट्री हुआ। कहाँ जाना? लेके चलते हैं। चलो फिर गुफा में, गुफा में जाना पड़ा। सिस्टम है जिस तरह प्लेटफॉर्म पर जाना, नीचे ना जाना पड़ा, ये जिस तरह ये गुफा सी है इसके अंदर जाओ, और फिर एंगे ऊपर उठो, हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 2 एवं हम जाएंगे ऊपर। अभी हमारी बस आएगी ना, बस करे ट्रेन आएगी 4:20, ये भी टाइम 4 बज गए, अभी 20 मिनट बाकी हैं। देखा आप लोग दिखावेंगे, देखो इधर का सब कुछ व्यू दिखाएंगे आप लोगों को। ये देखो यहाँ आ गई हमारी ट्रेन, यहाँ हमारी ट्रेन आएगी, अब देखते हैं कितनी देर में आओगी ट्रेन। ठंड लग रही है ना? गर्मी लग रही है, बैग बड़े फीलिंग आई बाहर आ रहे हैं हमें। अच्छा इंडिया वाली फीलिंग ले रहा बंदा पूरा। पर ट्रेन आ गई, पर ये हमारी नहीं है, पर ये हमारी नहीं है, वो दिखाई आप लोगों को ट्रेन यहाँ की। देखो बाहर ट्रेन है, देखो इसके अंदर बैठ का जहाज वाली फीलिंग आ बाबरी, जिस तरह जहाज में बैठे हो। ये देखेंगे ताऊ तैयार हो के जाने वास्ते अंदर। ये ट्रेन देखो दोस्तों कितनी मस्त ट्रेन है, ये इसमें डबल डब्बे हैं, देख नीचे भी बैठने वाले, ऊपर भी बैठने वाले। यार हम अपनी ट्रेन की बात कर रहे हैं यार, पता नहीं कितना आ गई, सॉरी कहाँ टाइम होगा यार, गया नहीं तुमका पंगा चल जाना। मौसम देखो आप, मैंने तो बहुत मस्त व्यू, मेरा बहुत जी कर रहा है आज, मौसम इतना अच्छा हो रहा है। देखो ठंड होने लगी आ रही, हवा चल रही बहुत सुखी, हवा चल रही है, ट्रेन का वाट कर रहे, पता नहीं कितनी देर में ट्रेन आवागी, देखो कितनी देर में आवागी यार ट्रेन, और ट्रेन तो बहुत आ रही है, अपनी ट्रेन दे रही है, ठंड होने लगी हुई यहाँ से, हवा चल गई ठंडी। ये देखो ट्रेन गई गोली गिटार तोड़ ली दोस्तों, फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, और अब ट्रेन के अंदर जावांगे। चल चढ़ गया, चलो जगह जगह दरवाजे ला रखे, इन्हें देखिए 2 खुले 1 हो रह गए, चलो चलो चलो। बुकिंग वाली है, भाई हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, हमारी सीटें मिल चुकी है, और भाई और आगे यहाँ जाने लग रहे हैं, ये सीट मेरे तरफ खाली है, यहाँ भाई बैठा गा, अभी साँझ हो गई है, इधर 8-9 बजे तक बरनो पहुँचाँगे, बहुत टाइम हो गया यार। ट्रेन देखो अभी यहाँ की जिस तरह कहीं जा जो दोस्तों, ये देखो इधर की ट्रेन, ये इधर का ट्रेन का अंदर का व्यू है, और ये देखो अपन बैग व्यू दिखाते हैं, ऐसा सब कुछ, ये इधर की ट्रेन है, देखो जैसे जहाज में बैठे ऐसी फीलिंग आती है पूरी, अभी अंधेरे हो रहे हैं बहुत, बाकी ट्रेन बहुत मस्त है यार, बहुत ज़्यादा मस्त ट्रेन है यहाँ की। हेलो भाइयों हम पहुँच गए हैं बरनो, ये है बरनो, अभी तो रात होगी यार, हम दिन में चले थे वहाँ से, रात होगी, देखी भी रात में कुछ दिखने का भी नहीं,
बाकी आप लोग कलो दिन में दिखाएंगे परनो ये रेलवे स्टेशन है परनो का खुल जा सिम सिम तो दोस्तों अब ये हमारी ट्रेन आ चुकी है हमने भाई के पास जाना है इधर से ट्रेन पकड़ने पड़ा दूसरी अब हम ये ट्रेन पकड़ेंगे बरनो पे आगे जाने वास्ता ये भी ट्रेन में बैठे हैं हम यहाँ मेरे ख्याल 20 किलोमीटर होगा यहाँ से चलो चलो भीड़ बहुत यार ट्रेन में मेरे ख्याल से नहीं शुक्रवार शनिवार है ना तो भीड़ हो रही बहुत ज़्यादा लोग अपने अपने कम होते घर जावा कोई अपने कोल जाना छुट्टी हो घर जावा यहाँ से थोड़ा शनिवार छुट्टी होगा इतवार चलो चलते हैं अंदर देखते हैं अंदर जाके ओहो अंदर ही बहुत भीड़ है तो हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और ये ट्रेन का व्यू देखो इधर ये ट्रेन थोड़ी अलग है इधर भी ट्रेन खड़ी है एक और बैठ गया आराम से उन्हें सीट पर तो बताओ बैठे देख रहे देख हेलो कर देता हूँ सो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं विस्को ये देखो विस्को का नज़ारा रात का कलो दिन में दिखाओ नज़ारा यहाँ का फिलहाल रात का देखो ये देखो इसमें फ्री लग रहे हैं अभी बोले कहते कुछ बनाए नहीं बनाए मारा नहीं बना कह रही है बगले बढ़िया बगले बगले दादी बच गए खैर इंडिया में देख लगा ठोक जाते यहाँ देखो ये देखो दोस्तों यहाँ का नज़ारा क्या लाइटिंग वगैरह कितनी अच्छी लग रही है यो यहाँ की चर्च रात का व्यू का व्यू बहुत अच्छा यहाँ का भाई रहे ये देखो इधर का व्यू ये यहाँ की मेन जगह है व्हाट अ व्यू दोस्तों देखो वो देखो उस साइड पहाड़ी यहाँ रहते सवाल बहुत बड़ी इलाका है यहाँ से सारे इंडस्ट्री एरिया है वो देखो हम कितनी ऊंचाई है बैठे इस टाइम ये भाई यार क्या हो रहा है इंडिया का झंडा क्या लग रहा है साइड तो दोस्तों यहाँ तो हम निकट गए हैं हम टैक्सी बुक करी ये छोटे मानो वहाँ जाएगा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लेट हो गई है चला दोस्त इधर व्यू देखो रात तो दिखाई नहीं सके रात और यहाँ का व्यू देखो ये है विस्को हमारे भैया रहा देख रहे हैं गड्डी है बने जाया लाल बत्ती हंडी मतलब बगल यहाँ रुका जानी पड़ा ये देखो दोस्त इधर व्यू क्या मस्त लोकेशन है यो ये थोड़ा टाइम नहीं आना मैं दो मिनट दिखाते हैं हम जल्दी जल्दी सीम आया जल्दी जल्दी सीम जा रहे हैं इस टाइम यानी आप लोग को पूरा दिखाते हैं हम यहाँ क्या क्या सिस्टम है क्या कुछ नहीं है ये देखो अब यहाँ का लोकेशन नजारे लैक यहाँ रहते ही मजा पूरा शहर वगैरह सारा कुछ है बढ़िया आगे अपने बरना दिखाऊंगे रेलवे स्टेशन जाएगा हमारी ट्रेन लेट होगी सर हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं इस तो ये देखो व्यू क्या मस्त नजारा नजारे देखो आप मित्रों पहुंच गए रेलवे स्टेशन अभी हमारी ट्रेन टाइम दो मिनट रह गए सिर्फ बस टिकट टूट हम लेते नहीं है अंदर जाके ट्रेन में जो जाकर ले जाएंगे अपना सर गया बरनो वो देखो बरनो 10 बाई की ट्रेन है अभी देखते हैं टिकट टूट कर लिया 98 कराऊंगे टिकट आई गया एक चलेंगे आपका आराम से देखा गया दूसरा फिर भाई हमारे बैग आ गए हैं अब ट्रेन यहाँ आने वाली है पता नहीं देखा 2 मिनट पाँच घर आने वाली है सारे लोग भी ट्रेन की वाट कर रहे थे खड़े भी देखो अब ट्रेन देखो कितनी मस्त ट्रेन आ ट्रेन के अंदर बैठ के वैसे फील हो जिस तरह ज़्यादा बैठे हो दोस्तों ट्रेन अपनी हैगी आ इसके अंदर बैठेंगे सीट अपन उन्होंने मिल गई है स्टैचियाँ बहुत तंग कर रही हैं ने बहुत भारी आवाज ने वो कहना माता ने घर का समान भेजा ट्रेन जाएगी बरनो जाएंगे अब हम बरनो
ਨਵੀ ਤਾਈ ਹੈਰਮਰ ਤੇ ਖੇਡ ਨੰਬਰ ਦੀ ਆ ਪਾਜੇ ਡੱਬੇ ਵਾ 11 12 ਨੰਬਰ ਖੇਡ ਮਾਰੀ ਆ ਚੌਥਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਾਰਸ ਆਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਬਾਰਸ ਮਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਰਸ ਚੱਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਯਾਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁਣ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਉਹ ਸੋ ਅਬ ਟ੍ਰੇਨ ਮੇ ਬੈਠਤੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ 11 12 ਨੰਬਰ ਸੀਟ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਅਬ ਲੋਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਟ੍ਰੇਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਆ ਕੁਛ ਹੈ दोस्तों ये है हमारा केबिन यहाँ बैठेंगे अंदर 11 बार नंबर सीट नंबर मरिया यहाँ बैठ गए ट्रेन में यहाँ पे जाएंगे बरनो ये है आगे ट्रेन हमारा ये केबिन है इसमें चार बंदे बैठे हैं और आप लोग हाँ देखो मार्ग नजारा देखो बरनो दिखाओ अगर जी आप बरनो का नज़ारा क्या कुछ सिस्टम है ना ये देखो यहाँ का ट्रेन दिखावा लोगों ने यहाँ तक पता चल जिस तरह दूसरे समय जिस तरह मैंने अपने डीए बैठ जाने खिड़की आप यहाँ नहीं बैठने देंगे यहाँ बंद कर दे पहली हो ये हमारा केबिन था एक केबिन में चार मंदिर बैठा पिछली बार हम चार जने आए थे मैंने पूरा केबिन बुक कर लिया था दोस्तों बरनो आ गए हैं देखो बरनो कन्ने चार बहुत अच्छी सीटी है बरनो यार बरनो जरा देखो देखो साइड में ट्रेन जो ट्रेन के अंदर दिख रहे बाहर जाए दिखाऊंगे अपना फिर देखियो बरनो का नजारा देखो दोस्तों कितना अच्छा व्यू है थोड़े शीशा गंदो रहे सर मैं कुछ अच्छा दिख नहीं रहे बाहर जगह था मैं स्टेशन पर था ना ये दिखाऊंगा देखो कितना मस्त नजारा है देखो कितना मस्त नजारा कितनी अच्छी लगी देखो नजारा हमारी ट्रेन रुक चुकी है अब हम उतरेंगे बरनो स्टेशन पे थोड़ा दिक्कत आ रही है उतरते क्योंकि वजन बहुत अटैच है वहाँ आ जा भाई देखो बरनो बहुत वजन ऐसा पता नहीं कनक भेज दिए ना बैगा दो टाइम जी भर दिए चलो अब इधर से देखते हैं अपने कोलिंग की ट्रेन आई 11:39 का चलो मित्रों हम दोबारा फिर ये लो मित्रों अभी पहुंच गए हैं बरनो ये देखो बरनो का नजारा ये देखो कितना मस्त व्यू है इधर का ये बरनो का रेलवे स्टेशन का बाहर का है अभी बाहर सो रही यार थोड़ा थोड़ा दिखा सकूँ मैं आप लोगों जब पिछली बाहर आवाँगे अगली बार फिर देखेंगे यहाँ से टैक्सी टुक्सी वगैरह मिल जा देखो बरनो का व्यू क्या मस्त नज़ारा यो यहाँ का स्टेशन की बाहर की है बरनो हाँ ये हमारा बंदा दोनों देखा ओ देखो भाई हाँ कितना मस्त व्यू है यहाँ ने बस आवा ये आज देख बस ट्रेन आ गई रोड के ऊपर चला जाने से बहुत अच्छी लगा ये क्यों जल्दी पर एक बारिश के अंदर पड़ गया दरवाजा लग गया बड़ी मुश्किल से खोलिया उन्हें व्यू देखो अभी अगो यहाँ का कितना अच्छा व्यू कितना मस्त व्यू है यहाँ का यहाँ इस इलाके में ठंड बहुत हो यहाँ ठंड ही यानी कि पहाड़ी इलाका ना यो देखो दादी जल्दी पकड़ जा कहीं ट्रेन ट्रेन भेजे तेरे पर यो देखो व्यू क्या मस्त व्यू अभी हम यहाँ कभी घूमने फिरने वैसे आए नहीं है अगली बार आवेंगे फिर दिखाएंगे आप लोगों को यहाँ का सारा कुछ सिस्टम यहाँ क्या क्या सिस्टम है अभी तो प्राग जाना है प्राग दिखाएंगे आप लोगों ने प्राग क्या सिस्टम है यहाँ की प्राग सबसे ब्यूटीफुल सिटी है यहाँ की प्राग जिनों प्राग यहाँ से यो देश तो प्राग किस तरह जाना जाए और झंडे लग रहे हैं शायद अपने इंडिया का भी लग रहा है झंडा वो देख सकते इंग्लैंड का इंडिया झंडा यहाँ भी इंडिया छाई हुई है पूरी लाइक ट्रेन आ गई है अगला कोमरोई जो ट्रेन है यहाँ की तो मित्रों दोबारा फिर आ गए कलवारी जगह पे
यहाँ से हमारी ट्रेन आएगी वापसी की। अब हम जा रहे हैं इधर से वापस अपने घर। ये देखो ब्रो, ये खड़ी यहाँ ट्रेन। कल ही लड़ाई पड़ गई थी एक मालक भैया की, वो बंदा ओके होने वो भी पीछा लग गया, वो कपड़े नहीं छोड़ रहा बेचारी का। बरनो से अब हमारी ट्रेन आएगी इधर आने वाली है 2-4 मिनट में। चलते अपने घर। अगली बार आपने बरनो दिखाओ यार, इस बार तो बस थोड़ा बहुत दिखाया गया, अगली बार दिखाओगे। तो आ गई हमारी ट्रेन, अभी इसमें बैठ के जाएंगे हम अपने जजलीन से वापिस। बहुत घूम लिए, 263 नंबर बस है, खाली पड़ी है बाकी। देखा सीटा शीटा कहाँ मिला जाएगा समा, भीड़ बहुत हुई अस्तुर है, कहाँ जा रहे हैं इसने लोगों ने पता कर लिया, यही जाएगी दूसरी जाएगी, कभी कहीं जीटा ले जाए। बैठ चुके हैं और ये बाहर व्यू देखो क्या मस्त नज़ारा है बाहर, कितने बड़ी बड़ी घर हरियाली, कितना बैठे आराम दे, ये लोग ले रहे नज़ारे दे हाँ जिंदगी के, ये रे झरने झील, ये पहाड़ा इलाके आ रहे कहीं ऊपर नीचे ने घर आवा, ये घर लगे अच्छा पार्क पूर्क लग रहा समुद्र में पूरा बढ़िया। ट्रेन अब हम पहुँचेंगे 1:30-2 बजे घर ना, कोडिंग थी रम और उसने घर पहुँचे बहुत टाइम लग जाएगा, बाकी देखो इंजॉय करा सफर में। ये देखो कितने पहाड़ी पहाड़, देख यहाँ पहाड़ कितने बढ़िया लगा नहीं, पेड़ा वेगी पत्ता नहीं है सूखे पर सूखे पेड़े चलो ना पेड़ा ऊपर तक जा रहे हैं, लंबे लंबे पेड़े जाएंगे नीचे नदी चल रही गंगा चेकिंग गंगा आयो। क्या नजारा है भाई, बहुत नजारा है। ये देखो दोस्तों यहाँ पहाड़ी है, पहाड़ी है, हम आज दूसरे रास्ते में आ गए यहाँ जी, यू देखेंगा ये पहाड़ी इलाका सारा, इधर अगर पीछे रास्ते में थोड़ा छूट गया इंगा ही पहाड़, उंगा पहाड़ देखिए कितना मस्त आना पड़ेगा, यहाँ भी घूमना फिरना पड़ेगा, देख कितना मस्त। अभी हम थोड़ा सा दूर रहा, देखो कितना मस्त नजारा, वो देखो कि नजारा, देखो आप नजारा पहली बार आए ना, क्या इतनी बार आए ना, पेड़ देखो रात नहीं आए रात नहीं, वो देख पहाड़ ऊपर आग लगी। ये घर देखो मस्त, कितना मस्त व्यू घर का, वैसे दिन में तो हम पहली बार भी आया नहीं, ये अंधेरे में आया, अंधेरे में जाओ। देखो दोस्तों यहाँ का अगर यहाँ बर्फ पड़ा कितना अच्छा लगेगा, ये बर्फ पड़े ना कितना मस्त व्यू है, यू यहाँ बर्फ पड़ गया जब बर्फ पड़े में कितना सोना लगा है देश में सोच रहा। बहुत अच्छी जगह और घूमने की, बम गिर गया मेरे बर्फ के दफ्तर मजे लिए होने के मजे के बच्चे, जिस तरह इंडिया में ओले गिरा ना एक बार की इज्जत ओले की बर्फ बनी थी इस तरह गिरने चाहिए किले किले के वाकई इन्हें घर वैसे वो लकड़ी के फूट पाड़ जाएंगे, इन्हें घर ना इतना नहीं फूट दे आज तो वजह से सुसु सुसु लग रहे हैं क्यों। हां ये देखो ये क्या चीज है, कहां वो देखो ये कहेंगे बारा हां जाएगा कलो से भी काम पर जाना घर जा रही घर जाएगा पड़का सोंगे रामदेव सो गया रोटी पानी खाएगा सवेरी उठ करके काम पर चले गए देखेगा नजारे लेके घूमने की जगह यहाँ से बहुत बहुत जगह घूमने की यहाँ से ट्रेन के अंदर बैठा मैं बाहर होता ना फिर सारा कुछ खाता अपन थोड़ा टाइम हो जाने दो 6 महीने या साल हो जाने फिर देखिए नजारे आप यूरोप के नजारे देखो लो पित्रवार मैंने इस तरह जगह घूमने बहुत स्वाद आवाज सबने
वाला स्टेशन है हमारा कोलीन, जो हमें अभी 5 मिनट पड़ा है, 1:30 पर हम कोलीन पहुँच जाएंगे। तो ये दोस्तों इधर का व्यू चेक करो, इधर यहाँ पे अड्डे बुड्ढे खड़े ने सारे। अभी हमारा इधर से ट्रेन से जाने का टाइम आ चुका है और अब हम जाएंगे घर। चलो चलते हैं। सो दोस्तों फाइनली पहुंच गया कोलीन, अब हमारी बस आवागी। आज हमें लेट हो गई, बस जाने वाली थी हमारी, तो वो वहाँ सामने स्टैंड हमारी बस आवागी, ये आगी बस आगी रे बस जल्दी बगले 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 हमारी बस हैगी। ये भी हम ट्रेन में उतरे, सांस चढ़ गया, इन्हें बैगन चक चक भाग रहे हैं, इन्हें तो बैग भी चल रहा है। चलो 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 बस हैगी बस हैगी। तो दोस्तों फाइनली बस पकड़ ली मैंने, भाग भाग का सांस चढ़ गया, ट्रेन ने आज 9 मिनट लेट करा दिए। चल शुक्र मान टाइम पर बस मिल गई, खुश हो रहा जो रहा नहीं, मैं सामने जाना पड़ता 6 बजे 6 बजे ट्रेन थी बस इसी तो बजी जा। और दोस्तों फाइनली पहुंच सके, यो ताई मारी टिकट काट रही है, काट दे ताई टिकट। बारिश हो गया यार बहुत जोर ला के, और अभी चलो अंदर। लो जी टैची है मैंने रख लिया यहाँ, कोने में नहीं रख देना कोने, बस पहले के लोग ले इसके एनिमल का फिर आ गई हो यू का छाला मार दिया गई। हाँ इधर है हेड़ा हेड़ा ये 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 ब्लॉग बना रहे ये ये हमारा भाई है, ऐसे बोले ये मेरी भाई है, ये मेरी भाई, ये मेरी दोस्त है। उसको मेरे दोस्त को सब्सक्राइब करो, इतना फॉलोअर बनाओ जो सारा चेक रिपब्लिक भी देखना चाहिए, फेमस होना चाहिए नहीं। हाँ मैंने मेरी वीडियो देखी है। हाँ देखा, कैसा लगा? आप लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है। अच्छा मेरा बहुत बड़ा फेमस आदमी तेरी मॉन्स्टर पक्की है 15-16 तारीख को, 15-16 पक्की है। दोस्तों बस में बैठ चुके हैं, अब हम जाएंगे जेजलिंस अपने घर, और ये हम कोलीन से चल दिए हैं। बाय बाय कोलीन। अब सुबह कल का व्यू देखो, और अब का व्यू देखो कैसा हो रहा है यार, कल कितना सुहाना मौसम था, कितना स्वाद है, देख दो अभी का मौसम देखो, ये सारे बादल आज सारा दिन बारिश पड़ी, कल धूप निकली थी। अभी मित्रों पहुंच गए अपने गोवा, चलो भाई खुल जा सिम सिम, खुल गई सिम सिम। लो फाइनली पहुंचे अपने घर, अब चलते हैं अपने घर की तरफ, ये क्रिसमस ट्री। अब मिला सुकून सा अपने गोवा का थोड़ा सा, कैसा लग रहा है क्या वापस गोवा? तो दोस्तों हम अपने घर पहुंच गए हैं, तो हम घर में जाके अपना थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, आज की हालत तो बहुत ख़राब हो गया। तो दोस्तों अब आ गए हम अपने घर, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आपको ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं, जो कुछ गलती होगी उसको बता देना प्लीज़, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में फिर हम थोड़ा अच्छे से बना लेंगे, तो बने रहना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई प्लीज़ चैनल को, और अगले ब्लॉग में मिलते फिर। बाय टाटा, राम राम भाई सारा।